बिहार में चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं, तो दूसरी ओर बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। बिहार में गठबंधन को लेकर एलजेपी की एक बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान जेडीयू पर तल्ख नजर आए। चिराग ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कोरोना, पलायन और बाढ़ के मुद्दे पर एलजेपी सांसदों ने जेडीयू पर आक्रमण किया। चिराग पासवान समेत दूसरे नेताओं ने केंद्र की योजनाओं की तो तारीफ की, लेकिन नीतीश सरकार की जमकर बुराई की गई। जिस तरह से बीजेपी की तारीफें हो रही हैं और जेडीयू की बुराई, उससे ऐसा लगता है कि चिराग ठीक अपने पिता रामविलास पासवान की राह पर हैं, जो उन्होंने 15 साल पहले किया था। बैठक में एलजेपी सांसदों ने बीजेपी से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उठाने की मांग भी रखी। हालांकि गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। बुधवार को एलजेपी की बैठक को देखकर यह साफ हो गया है कि चिराग पासवान और उनके नेता जेडीयू के प्रति नरमी बरतने के मूड में शायद नहीं है। न्यूज़ तक ब्यूरो।